अल्ट्रॉस इज अ प्रीमियम हैचबैक और अगर उसको स्पोर्टी बना दे तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रॉस रेसर एडिशन। एंड गाइस टाटा अल्ट्रॉस रेसर एडिशन लाइकली 2024 मई में लॉन्च होने वाला है, यानी कि इसी मंथ लॉन्च होने वाला है। तो उसमें क्या क्या अपडेट्स मिलने वाले हैं वो सारे चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मिसिंग है जो ये सेगमेंट में होने ही चाहिए थे। सो गाइस वेलकम टू बर्निंग व्हील्स एंड माय नेम इज साकेत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा अल्ट्रॉस रेसर एडिशन में आपको डायमेंशन सेम ही मिलते हैं जो नॉर्मल अल्ट्रॉस है उससे, बस इसमें आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि इसके कलर ऑप्शंस आपको काफी बोल्ड एंड स्टाइलिश देखने के लिए मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ट्विन स्ट्रिप्स देखने की मिलती है जो आपके बोनेट एंड रूफ लाइन तक जाती है। जो लाइट सेटअप है वो आपको सेम ही देखने मिलता है जो आपको अल्ट्रॉस में मिलते हैं, विच आर द हैलोजन प्रोजेक्टर्स। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, यहाँ पे हो सकता है कि ना टाटा अल्ट्रॉस में आपको 360 कैमरा देखने के लिए मिले, बट दैट इज नॉट कन्फर्म येट। तो साइड में आपको बस अलॉयज का ही चेंज मिलता है, बाकी कोई भी इसमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। एक रेसर वाला बैज आपको साइड में भी देखने मिलता है, बाकी आपको पीछे से ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। तो आप जाते हैं इसके अंदर और सबसे पहला जो चेंज है वो है इसके हार्ट में, यानी कि इंजन में। इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन। ये सेम नहीं है गाइज, यहाँ पे इसकी पावर आपको इंक्रीज मिल जाती है। सो यहाँ पे इन्होंने रीट्यून किया है, तो यहाँ पे आपको जो पावर मिलती है वो है 120 हॉर्स पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। आपको काफ़ी इंक्रीज पावर मिलती है, लगभग 10 हॉर्स पावर ज़्यादा एंड 30 न्यूटन मीटर ज़्यादा मिलता है जो आई टर्बो वेरियंट है। नेचुरल एस्पिरेटेड से तो बहुत ही ज़्यादा पावर एंड टॉर्क मिलता है, तो इसके जो पावर टू वेट रेशियो एंड टॉर्क टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी वाइज 6 एयरबैग्स आते हैं एंड इट इज लाइक सेफ्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स द सेफेस्ट हैचबैक इन इंडिया। एंड आपको इंफरटेनमेंट वाइज एक 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन मिलती है जो आपको नेक्सॉन में भी देखने की मिलती है। तो एक सिमिलर पैटर्न की एक टच स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने मिलती है, बट जो उसका यूआई है वो आपको रेड देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द स्पोर्टी नेचर। एंड यहाँ पे आपको 7 इंच का डिजिटल MID देखने को मिलने वाला है। ऑल्सो यू विल गेट द वॉइस एक्टिवेटेड सनरूफ एंड अशाक फिनेंटीना। एक और जो मेजर अपडेट इसके सीट्स में मिलता है वो है वेंटिलेटेड सीट्स और आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। सीट अपहोल्स्ट्री आपको लेदरेट में मिलती है एंड यू हैव रेड एंड व्हाइट इंसर्ट्स, तो ये मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी देने की कोशिश की गई है। डैशबोर्ड लेआउट आप देख सकते हो काफ़ी स्पोर्टी है, यू हैव रेड इंसर्ट्स एवरीवेयर मतलब AC यूनिट के वहाँ पे एंड ऑल्सो यू हैव द एम्बिएंट लाइटिंग विथ रेड, तो एक ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम सबको बताया कि अल्ट्रॉस की जो स्टेबिलिटी है ऑन हाईवे इट इज़ फिनोमिनल। इसके जैसी चलने वाली कार मैंने शायद ही कोई दूसरी और चलाई होगी ये सेगमेंट में, बहुत ही प्लांटेड वो चलती है। एंड ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंजन के इस सेटअप में भाई वो कमाल करने वाली है मेरे हिसाब से, बहुत ही स्पोर्टी लगने वाली है और आपको इसमें रियर AC वेंट्स भी मिलने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाटा अल्ट्रॉस रेसर एडिशन। अब इसके थोड़े से मिसिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मिसिंग फीचर मुझे लगा है वो है इसके हेडलैम्प्स। इसके हेडलैम्प्स हमें अभी भी प्रोजेक्टर हैलोजन्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे LEDs को होना चाहिए था। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे हैलोजन का यूज़ किया गया है एंड इट इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव कार। यहाँ पे मतलब इसकी जो प्राइस है मैंने आपको बताई नहीं, इसके प्राइस शुरू होने वाली है 10 लाख रुपीज से, यानी कि 10 लाख के नीचे तो आनी नहीं वाली, मोस्ट प्रॉब्ली 9.99 या फिर ऐसा कुछ एक्शोरूम प्राइसिंग रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसके रियर सीट्स। तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं लेकिन जो आर्मरेस्ट है रियर आर्मरेस्ट उसमें आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते, तो ये मतलब एक आर्मरेस्ट तो आपने दे ही दिया है तो यार एक कप होल्डर भी होना चाहिए। एक और जो नेगेटिव इसमें मिलता है विच इज़ अ 10 लाख रुपीज कार एंड इट डज नॉट हैव ऑटो डिमिंग IRVM। लाइक लॉन्च में हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं एग्जैक्टली, बट अभी तक जो हमने मॉडल्स देखे हैं टाटा रेसर एडिशन के तो वहाँ पे आपको नहीं देखने मिलते थे ये फीचर्स। तो ये है कुछ फीचर्स जो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में होने चाहिए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरे वीडियोज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहे होंगे।